आधार से, त्रिलोक सार के आधार से तीन भवन की हम रचना देख रहे हैं यहाँ पर। उसमें देवों संबंधी बहुत सारी बातें जानने के बाद अब हम तिर्यक लोक का स्वरूप देखने जाएंगे, परंतु उसके पहले पहले ये देवों में से कुछ बातें रहेगी ना, वहाँ कितने गुणस्थान होते हैं, कौन से जीव देवों में जाते हैं, देवों में से निकलकर कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, आदि बातें हम थोड़ी जानकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो बातें हैं तो कौन कहाँ जन्म लेते नहीं, वहाँ के जो क्या है, हाँ देखो गुणस्थान में वो अपेक्षा देवगति में कौन कौन जन्म लेते हैं, ये कौन से जीव देवों में उत्पन्न होते हैं, कौन से देव देवों में उत्पन्न होते हैं, तो कोई भी देव देव में उत्पन्न नहीं होता। देव तो नियम से मरकर कहीं नरक ये मनुष्य और तिर्यंचों में ही जन्म लेता है, ना ही कोई नारकी देवों में जन्म ले सकता है। तो देवों में जन्म लेने वाले कौन बच गए अभी, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तो देवों में नहीं जाएगा। अब रही बात तिर्यंचों की, भूभूमि में जो तिर्यंच है वो तो नियम से देव में ही जाते हैं, वहाँ के सारे ही मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जन्म लेते हैं और वहाँ के सारे ही सम्य दृष्टि सौधर्म ईशान में ही उसके ऊपर नहीं जा सकते, है ना, भूभूमि के, क्योंकि वो तो वहाँ तक ही उनकी लिमिट है, उसके ऊपर वो जन्म नहीं गए। अब ये असंयत और देश संयत मनुष्य और तिर्यंच जो है वो अधिक से अधिक कहाँ तक जन्म ले सकते हैं, तो अच्युत स्वर्ग तक यानी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अब जो द्रव्य से जिन्हलिंग के धारक है, द्रव्य से यानी ये जो मुनि दीक्षा लेकर और आचार जो पालते हैं, तो बिल्कुल जैसे शास्त्र में बताया है वैसे ही आचार पालते हैं, जिसको कहा द्रव्य से लिंग धारण किया, परंतु अभी भाव से कैसे हो, भाव से पहले चौथे या पांचवें गुणस्थान में है, बाह्य में नेत्रंत मुनि दीक्षा ली हुई है, परंतु उनके भाव की अपेक्षा उनका अंतरंग स्वरूप में देखने पर कोई हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि अवस्था में उन्होंने द्रव्य लिंग धारण किया, ऐसे होते हैं मिथ्या तो अवस्था में द्रव्य लिंग धारण किया और बाद में कोई जीव सम्यक होकर ऊपर चढ़ जावे, अधिक पुरुषार्थ करे, तो पहले से डायरेक्ट सातवां गुणस्थान उनको प्राप्त हो सके। तो यहाँ इसीलिए कहा भाव से पहले गुणस्थान है। कोई ऐसे भी होंगे कि चौथे गुणस्थान वाले हैं जो कोई समय दृष्टि है और उन्होंने पहले मुनि दीक्षा अंगीकार की है, तो भाव से वो चौथे वाले हैं और मुनि का योग्य आचरण पालते हैं और वो दो गुण दशा में सातवां गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके पहले उनका गुणस्थान चौथा। ऐसे ही कोई पांचवें गुणस्थान वाले व्रति श्रावक है, भाव से वो पांचवें गुणस्थान में और फिर वो मुनि दीक्षा अंगीकार की हुई है, अभी सातवें के योग्य शुद्धोद्भव नहीं हुआ, तब तक वो क्या कहेंगे, द्रव्य लिंग तो उन्होंने धारण किया हुआ है, भाव से तो पांचवें गुणस्थान वाले है परंतु द्रव्य से मुनि गुण अंगीकार किया, ऐसे ये तीन वाले। ऐसे जीव कहाँ तक जाते हैं, ये निरतिचार चारित्र पालते हैं ना, अतिचार रहित ऐसा चारित्र पालते हैं और मरकर अंतिम द्रव्य तक उत्पन्न हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर तो भावलिंग ही संत ही चले जाएंगे। ये तो मिथ्या तो अवस्था में भी कहाँ तक जा सकता है इसकी बात है, और ऊपर तो समय दृष्टि भावलिंग में ही ऊपर चले जाएंगे। पंचम गुणस्थान वर्ती जिन्होंने द्रव्य लिंग धारण किया है, ऐसे जीव, हाँ द्रव्य लिंग धारण करना ये तो पहली कंडीशन है, हमने कहा ना द्रव्य से द्रव्य बनाने द्रव्य मुनि को अंगीकार किया है, यानी बराबर शास्त्रोक्त विधि से मुनि दीक्षा अंगीकार की है और उनके जो निरतिचार पालन भी करते हैं ऐसे जीव है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, शास्त्र में जैसी बातें बताइए वैसे ही उनके सारे
शतावश्यक वगैरह जो कुछ बातें वो सारे ही पालन करते हैं, परंतु अभी उनके सम्य दर्शन नहीं हुआ है तो अभी भाव से कहाँ पर है वो पहले गुणस्था। वे जीव कहाँ तक जा सकते उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऊपर तक नौवे ग्रहवे तक, ऐसे कोई चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है? और मुनि दीक्षांगी अकेले चौथे गुणस्थानवर्ती है बिना मुनि दीक्षा अंगीकार किए हुए, अभी भाव से मुनि बना नहीं है परंतु बाह्य में यह भाव से समय दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है, परंतु अकेले चौथे गुणस्थान वाला ग्रहवे को में जन्मेगा नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि है तो भी जो मुनि लिंग धारण करता है वो जन्म सकता है, परंतु सम्यक दृष्टि है वो बिना मुनि लिंग धारण किए वहां नहीं जा सकता, यानी बाह्य में भी वो मुनि लिंग चाहिए ही, और उसका भी निर्विचार पालन जिसको कहते हैं 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन जैसे आगम ग्रंथों में लिखा है वैसे, तो वैसा उत्कृष्ट जो कुछ शुभ भाव है मंद कषाय के परिणाम है उसके फलभूत को वहां जन्म ले सकते हैं। सम्यक दृष्टि अभी बता ना, सम्यक दृष्टि सर्व स्वर्ग तक जा सकता है। अब ये जो अंतिम ग्रहण हमने बात देखी, ये जो द्रव्य से और जो भाव से मुनि, कोई कहेंगे हम द्रव्य से मुनि नहीं परंतु भाव से है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा नियम है पहले द्रव्य से ही मुनि हुआ जाता है और बाद में जब वो ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं एकाग्रता करते हैं तो भाव से भी मुनि बना प्रकट होता है, सातवां गुणस्थान प्रकट होता है पहले में पहले, फिर सातवें से छठा छठा सातवा छठा सातवा चलता रहता है, ये मुनि की दशा होती है, उसको द्रव्य और भाव से मुनि बना कहा। भावलिंगी संत जिनको कहते हैं ऐसे तो सर्वार्थ सिद्धि तर वहां तक उनका जन्म हो सकता है, यानी कौन कहाँ जन्मते उसकी बात हम देख रहे हैं। वो भूमि के जो अभी अभी हमने देखा वहाँ के समय दृष्टि वो सौधर्म द्विक में जन्मते हैं और वहाँ के सारे ही मिथ्या दृष्टि है वो कहाँ चले जाएंगे भवन द्विक में, तो ये भोगभूमि में तो मनुष्य भी होते हैं और तिर्यंश भी होते हैं, भोगभूमि के तिर्यंश कहाँ जाएंगे वो भी ऐसा ही भवन द्विक में, और वहाँ के कोई समय दृष्टि है तो सौधर्म ईशान में चले जाए, तो इतने कितने सारे वो असंख्यात समय दृष्टि तिर्यंश होगी वो सारे वहाँ के भोगभूमि के बीच वाले, क्योंकि वो तिर्यंचों की भोगभूमि कितनी बड़ी होती है वो हम देखेंगे जब हम तिर्यक लोग देखेंगे, अभी देखने जा रहे हैं क्या करें, स्वर्ग से आप छुट्टी नहीं देते ना, जो स्वर्ग में जाते हैं वहाँ से हटना ही नहीं चाहता, अभी यहाँ सारे स्वर्गों के प्रश्न भी इतने आए हैं क्योंकि क्या है तिर्यक लोग में जाना नहीं चाहते ना, इसलिए वहाँ के जन्मने वाले को नहीं जाना चाहते और हम इसमें अभ्यास में से भी नहीं हटना चाहते। ये जो तापसी आदि जो अन्य मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप तपने वाले वगैरह वगैरह अलग अलग जो होता है कुछ होते हैं तो वो भी कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो भी वो उत्कृष्ट रूप से भौनिक में भी जन्मते हैं, ये एक दंडी की दंडी वगैरह अन्य जो सन्यासी होते हैं वो ब्रह्म स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। और ये जो अन्य भी कुछ कांजी आदि का आहार करने वाले कहाँ है उसमें मुझे भी पता नहीं है क्या होता है, वो अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। अभी वहां से आने वाले में जो नियम है अनुदिश और अनुत्तर कहाँ होता है वो ग्रेडेड के ऊपर, वहां से नीचे आने वाले जन्मने वाले वो कहाँ मनुष्य में ही जन्मेंगे, परंतु वो ना नारायण हो गए ना प्रति नारायण, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि नारायण और प्रति नारायण दोनों ही मरकर नियम से मरदगामी होते हैं, और ये अनुत्तर और अनुदिश वाले जो है वो अनुत्तर वाले करो तो वहां से चय करो तो हमने देखा सर्वार्थ सिद्धि वाले तो उसी भाव में चले जाएंगे या कोई दो भाव में चले जाएंगे, अनुदिश अनुत्तर वाले एक दो भाव में सारे मोक्ष जाने वाले होते, वो नरक नारायण नहीं होते, वहां से आकर नारायण नहीं हो सकते। अभी जो हमने पहले बात देखी थी सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, उसकी शची नाम की महादेवी, उसके सोम आदि चार लोकपाल, सनत कुमार आदि दक्षिण इंद्र, ये सारे दक्षिण के इंद्र, सभी लोकांतिक देव और सभी सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सब चय करने वहां से मरण कर मनुष्य होते हैं और नियम से मोक्ष चले जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यहाँ से मनुष्य होते हैं और उसी मनुष्य भाव में
वो निर्वाण को प्राप्त, यानी वो स्वर्ग का जो हमने देखा वो उनका द्विचरम भाव। अब वहां से आकर मनुष्य हो गए, वो चरम शरीर उसी भाव में अंतिम वो भाव होगा उनका, उसी भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे, निर्वाण हो जाएंगे। ऊपर तो इंद्रियां होती ही नहीं है, सनत कुमार आदि की इंद्रियों के बारे में कोई ऐसा नियम नहीं, नियम नहीं। अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, शरीर तो देवी है, तो देवी के शरीर में तो कोई समय दृष्टि देवी होती ही नहीं है, बात सही है। जब वो वहां जन्मी थी तो मिथ्या दृष्टि ही जन्मी थी, नियम है ना। जो समय दृष्टि है वो समय तो के साथ मर कर दूसरे नरक के नीचे भी नहीं जा सकता, अन्यत्र उसको नपुसक भी नहीं होता है। समुद्र के साथ जो जन्मने वाला है उसकी बात है, ख्याल है ना। और ना ही स्त्री पर नहीं जन्मता है, तो कोई समुद्र के साथ तीर्यंच हो, कोई समुद्र के साथ मनुष्य में जन्म लो, कोई समुद्र के साथ देह चला जाए, तो वो पुरुष ही होता है, स्त्री में जन्म नहीं लेता। तो क्या नपुंसक में जन्म ले सकता है कि हाँ क्या नहीं कहते। और पहले नरक में जाने वाले को कौन सा वेद होगा, शायद समय दृष्टि है, वहां एकमात्र नरक में एक नपुंसक वेदी होता है, अन्य कोई। अभी किसी ने मुझे प्रश्न नहीं किया था शायद ये नपुंसक वेदी के बारे में कि हाँ ये प्रश्न है, नपुंसक जीव को संबंध को प्राप्त नहीं होता, ये किसने कहा मुझे बता दो। तो नारकी जीव को कैसे होता है, प्रश्न ऐसा ही होता है ना, नपुंसक जीव को समय को प्राप्त नहीं होता ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। समय के सहित मर कर नारकी बिना अन्यत्र जन्म लेने वाले के, यानी मनुष्य तीर्यंच में जन्म लेने वालों को नपुंसक वेद में वो जन्म नहीं लेता, वो पुरुष वेद ही होता है, ऐसा नियम है। परंतु जो मनुष्य तीर्यंच है या जो कोई नारकी जो है, वो सारे नारकी नपुंसक वेदी होते हैं, उनके संयुक्त होने में कोई बाधा नहीं होती। प्रत्येक नरक में, सातवें नरक में भी असंख्यात जीव समय दृष्टि है, वहां जाने के बाद ही वो तो प्राप्त करते हैं। जन्म से तो कोई नीचे के नरकों में कोई जन्म से समय दृष्टि होता ही नहीं, पहले नरक में हो सकता, दूसरे तीसरे आगे नरकों में जो कोई जीव जाते हैं वहां तो विख्यात अवस्था में ही जाते हैं, और वहां केवल सर्वोत्तम समय को नहीं प्रथमोत्तम समय को भी प्राप्त कर सकते। तीर्यंच में भी ऐसा है, मनुष्य में भी ऐसा है। मनुष्य भी जो कहीं नपुंसक है, नपुंसक वेदी जो है, वो भी समय को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भाव वेदी की बात चलेंगे, तो भाव वेद वाले, भाव वेद वाले में क्या, वो जीवन के परिणाम ऐसे होते हैं, उनके उस कर्मों का उदय पाया जाता है, ऐसी कोई उनके आचरण को कुछ कुशल वाली बात नहीं चलेगी, परंतु उस विशिष्ट कर्मों का उदय पाया जाता है। तो ऐसे जीव तो नौवे गुण स्थान पार कर उस भाव में मोक्ष भी चले जा सकते, भाव से नपुंसक वेदी, परंतु द्रव्य से, द्रव्य से यानी शरीर की अपेक्षा से जो पुरुष है वही उस भाव में मोक्ष जाएंगे, कोई स्त्री को मोक्ष नहीं होगा उस भाव में, ख्याल है ना। परंतु भाव की अपेक्षा ये जो वेदों में अलग अलग वेद पाए जाते हैं, पुराने जो वेद का उदय रहता है, क्योंकि पांचवें अनुष्ठान से ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा होती है, प्रतिमा जो है सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और उसके पहले से उनके तो वैराग्यपूर्ण भाव होते हैं कि कोई उनके भाव में कोई नहीं होती है और ना ही कोई आचरण में क्रियाएं होती है, फिर भी उनको नपुंसक वेद का उदय है कर्मों का, तो उनके नपुंसक वेद वाले कहने में आता है, और ऐसे नौवें गुणस्थान तक हो सकता है। ऐसे जो उनको तीर्थंकर वाला पद नहीं होगा, वो बात अलग, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी वालों को, ये भाव वेद की बात है। द्रव्य से यानी जो शरीर की अपेक्षा से जो स्त्री है या अन्य जीव है वे मोक्ष के अधिकारी नहीं, परंतु सम्यक्व नहीं होता ये बात कहीं भी नहीं। तो शची इंद्रा ने भी वहां जन्म से तो मिथ्या दृष्टि है, और बाद में वहां जाकर वो समय दृष्टि होती है, और वहां से चैतन्य मनुष्य होकर उसी भाव में उसका निर्वाण हो जाता है, ये बात है। ये समय को सहित कहाँ जन्म ले सकते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारे बिल्कुल उसके नियम है, और करना नियम के अकाट्य नियम होते हैं, उसको कोई अपवाद नहीं होता।
जैसे कोई कहे हमारे आपके तो 24 तीर्थन कर रहे हो तो हमारे यहाँ तो तीर्थन कर है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि वो मल्लनाथ तीर्थंकरों के बारे में जो संदेह होता है वो तो स्त्री थी, तो कहीं कहीं आप जाने दो द्रव्य की बात भाव से तो ठीक है नहीं। तो मल्लनाथ तीर्थंकर कहाँ से आए थे मालूम है? वो तो 5 कल्याणक हुए थे कि उनके कितने हुए थे? 2-3 हुए थे। भरत के सभी अभी तीर्थंकरों के तो 5 कल्याणक होते, हमने तो पहले बात देखी। तो गर्भ में आए थे तभी सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि उनका कोई जन्म कल्याणक नहीं होता है। भले हम उनकी जयंती भी क्यों ना मनाए, क्यों? ये हमारे जो राष्ट्रीय पुरुष होते हैं, हाँ, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी तो जयंतियां मनाते रहते हैं, उसकी बात नहीं है। ये जो इंद्र आकर जो कल्याण कर मनाते हैं, जिन्होंने कीर्तन का प्रकृति का बंध किया है, वो गर्भ में आते हैं तो गर्भ कल्याणक आदि होते, तो जन्म से तो समय दृष्टि है। तो कौन से वेद के साथ जन्म हो गए? द्रव्य और भाव दोनों ही पुरुष वेद के साथ ही जन्मे। कहाँ से आए थे मालूम है? हाँ, अपराजित विमान से। अपराजित का नाम सुना सुना सा लगता है, कहाँ सुना था? हाँ, सर्वार सिद्धि के बाजू में विजय जयंत जयंत और अपराजित, वहां से वो आए हैं। अपराजित विमान से चैत्र यहाँ आए थे। अभी अभी हमने देखा अपराजित में जाने वाले कौन होते हैं? भावलिंगी संत अनुदिश और अनुत्तर में चले जाते, यानी वो अपराजित में थे तभी कौन से पुरुष थे कि स्त्री थे? वहां कोई स्त्री होती नहीं, वहां सारे जन्म से समय दृष्टि होते, और एकमात्र चौथा गुणस्थान होता है वहां, तो वहां गृहस्थान से गिरने की बात होती नहीं। पूरे आयु में वहां वो 33 सागर हो, 32 सागर हो, कुछ है वहां पर, पूरे ही सम्यक्त के साथ ही बिताते, सम्यक्त के साथ ही वहां से यहाँ जन्म लेते। तो वहां जाने वाले कौन होते हैं? उसके पूरे घर में भावलिंगी संत, तो भावलिंगी संत पुरुष थे कि स्त्री थे? अभी हमने 3 लोगों की बात सिद्ध की मल्लनाथ, तो उनके संबंध में जो कुछ ऐसी गलत मान्यता है, ऐसी मिथ्या मान्यताएं चलती है देव के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, और हम कुछ ध्यान करके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हाथ में तो 0 लगता है ना। ये निर्णय बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आपका प्रश्न है कैसा चिंतन करने, किसके लिए कितना टाइम दे, ये सारा इसके लिए देना। देव का निर्णय तोड़ने पहले कर, गुरु का निर्णय तोड़े कर, क्या कपड़े के साथ ये सातवा गुणस्थान प्रकट होगा कि नहीं होगा इसकी भी चर्चा कर। अगर कपड़े के साथ सातवा गुणस्थान प्रकट होता है और बाद में कपड़े उतार दो तो क्या आपका जाता है? तो फिर बाद में क्या उतरने की जरूरत है? जो पहले उसके बिना कपड़े उतारे हो सकता है, तो कपड़े उतारने में अगले में नग्न होने की बात नहीं है। इसमें सभी 28 मुंडनों का निरतिचार पालन होता है, और उसमें ये सभी निर्णय होना चाहिए। देव का स्वरूप का निर्णय, गुरु के स्वरूप का निर्णय। देखो हमें तो किसी अन्य कौन जीव क्या करता है उसकी चर्चा नहीं करनी, वो तो हमारा काम ही नहीं है। पूरी दुनिया की गंदगी क्या हम देखते करें क्या? हम गाँव में जाते तो बहुत लोग हमको क्या क्या बातें सब बताते, हमको तो नहीं बताना। हम बंदे वाले बहुत अच्छे हैं। कितने पंडित आप हमें कहते ये बंबई क्या है, सारा नरक जैसा है, इतना सारा पॉल्यूशन है, कहीं भी जाओ कितना है क्या है। हम बोले हम अच्छे हैं नरक जैसे, क्योंकि हमें संयोगों में रुचि नहीं होती। तो हम अपना कार्य करते हैं अपने घर में बैठ कर, तो जहाँ गांव में चले जाते हैं तो वहाँ तो बात है कि ये ऐसा करते हो ऐसा करते, हमें हमको मत सुना और हमारे परिणाम मत बिगाड़, आपकी बात अपने पास रखो। क्यों? तो ये कौन कहा जाता है इसकी बात? और इसमें देखिए ये निर्णय में हमें अपना कल्याण करना, बिल्कुल ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि कोई आकर समझाए सामने से तो भी सही निर्णय होना चाहिए। हम भी ऐसे अटल होते हैं मिथ्या तो में पक्के कि सामने वाला कितना भी समझाए तो हम यूं भी नहीं होते, उसको विपरीत श्रद्धा नहीं देते। उल्टा संशय वाला तो बोला है अरे ये सच क्या हो, चलो कुछ दिन यहाँ चले जाओ और कुछ दिन वहां चले जाओ, देखो तो सही वहां क्या कहते हैं, देखो तो सही यहाँ क्या चलते हैं। हम सुने तो सही टीवी पर तो कितने अच्छे अच्छे बातें आती है, हा? उसमें से अच्छा ग्रहण करेंगे क्यों मिदिन भाई? जो कुछ प्रवचन चलते हैं सब सुनेंगे और उसमें से अच्छी बात, हाँ हम आत्मा शुद्ध बुद्ध वो सब सुनेंगे उसमें से, बाकी सब छोड़ देंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा, वहां भी निर्णय पक्का होना चाहिए, क्योंकि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये तो जिसको निर्णय ही नहीं उसको कुछ नहीं समझता उसमें से।
ये सारा अच्छा अच्छा लगता है, अच्छे के नाम करो कुछ भी वो तो चलता है, बाकी सब भौतिक चीजों में तो बहुत चौकसाई करता है, कपड़े कैसे लेना है और कहाँ का क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आम कौन सा लेना है, उसमें सब बढ़िया से बढ़िया चाहिए। और देवशास्त्र वो चला लेंगे, उसमें क्या है, अपना क्या जाता है उसमें, ऐसी बातें चलती है। तो ये जीव हमने अभी देखे थे कौन कहाँ नहीं जन्मते और कौन कहाँ जन्मते है। एक बात इसमें होती है कि ये जो 63 पुरुष देखे थे ना, 63 शलाका पुरुष, वो मनुष्य गति में से कोई आकर 63 शलाका पुरुष नहीं होता, मनुष्य में से आकर, मनुष्य मरकर फिर मनुष्य हो गए और कोई चक्रवर्ती रूप से जन्मे, ऐसा नहीं होता, ऐसा 63 शलाका पुरुष उसमें ले। तिर्यंच गति से आकर भी कोई नहीं होते, और भवनत्रिक से मरकर कोई यहाँ आता है और कोई चक्रवर्ती हो या नारायण हो या प्रतिनारायण हो, ऐसा भी नहीं बन सकता। यानी ये सारे 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, प्रतिनारायण और बलगति, इनमें से अन्य गतियों में से आकर वो नहीं होते हैं, देवगति में से आकर होते हैं। तीर्थंकर तो नरक से आकर भी हो सकते हैं, हमने देखा अभी हमारे भविष्य के आगामी पहले तीर्थंकर तो अभी पहले नरक में है, अभी विद्यमान वहाँ चल रहे हैं, उनका तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहे हैं, हाँ नरक में रहते हुए। तो ये बातें ऐसी ऐसी बनती है। अब वहाँ के जो कहाँ कहाँ जाते हैं मरण कर स्वर्गों के, वो भी थोड़ा देखेंगे आगे बढ़ने के पहले। तो भवनत्रिक के और सर्वम ईशान तक के जीव मिथ्यादृष्टि जीवों की बात है, तो मरकर कहाँ जाते हैं, या तो कोई संकलेश परिणाम वाले जाएंगे तो ऐकुंठ में जाएंगे, और कोई जाएंगे तो संगी पंचेंद्रिय में जाएंगे, ये दो ही रास्ते उनके, दो इंद्रिय तीनवे चतुरिंद्रिय में कोई जन्मेगा नहीं, देह से निकलकर मरकर कोई इंद्रिय अधिक में नहीं जन्म लेगा, कोई संकलेश परिणाम देखते ना, इतना शोक करता है वहां कि अभी क्या मेरा मरण आ गया, तो क्या वहां से चौकर कहा थावर रतन करे, तो ऐसे में भी कहा जन्मता है मालूम है क्या, बादर केंद्र में, बादर केंद्र में भी पृथ्वी का है, वनस्पति का है और जल काय में उत्पन्न हो गए, उसके अलावा किसी भी सूक्ष्म में जन्म नहीं लेते, कोई भी साधारण यानी निगोद में जन्म नहीं लेते, आपके तो एक इंद्रिय में जन्मते और निगोद में नहीं जन्मते, ये कैसा, ऐसा प्रश्न भी किसी ने किया था, तो निगोद एक इंद्रिय में है, एक इंद्रिय अपन सभी एक इंद्रिय का निगोद है ना, तो पृथ्वी का एक इंद्रिय है परंतु पृथ्वी का एक निगोद नहीं है, तो बादल पृथ्वी का एक में जन्म ले सकते, बादल जलता है और बादल वनस्पति का एक में जन्म लेते हैं, परंतु अग्नि का एक नहीं होगे, ना बादल ना सूक्ष्म और ना ही वायु का एक हो और ना ही निगोल हो, परंतु एक इंद्रिय कुछ जो अभी हमने देखा उसमें जन्म ले सकते हैं। अब दूसरी बात, इन्हें सर्वर में ईशान के ऊपर के सारे जो देव है वो एक इंद्रिय में तो नहीं जाएंगे, यानी चढ़ारा पड़कर कितने लोगों को ऐसा लगता है क्या करे, यहां से मयूर ग्रह में गया और वहां से सीधा निगोद में भेज दिया उसको, ऐसा नहीं होता, कोई भी देव निगोद में जाते ही नहीं डायरेक्ट दूसरे देव, एक इंद्रिय में भी जाने वाले सर्वर में ईशान तक के ही जाते हैं, ऊपर के जो है सनत कुमार महेंद्र से ऊपर उनके लिए दो गतियां, तिर्यंच गति या मनुष्य गति, तिर्यंच में भी संगी पंचेंद्रिय नहीं होगी, कोई असंगी में जावे ऐसा नहीं होता। अब ये तिर्यंच और मनुष्य गति का ऑप्शन कहाँ तक है, हाँ बारे याद है अभी सदर चौक को, तो 17 और 16 तक तिर्यंच गति का बंद कर सकते हैं, मनुष्य में तो जा ही सकते हैं, तो मनुष्य और तिर्यंच इतना ऑप्शन कहाँ तक है, 17 सहस्रार तक के जी, उसके ऊपर यानी आनत प्राणत आरण अच्युत नव द्रव्येक और अनुदिशा और अनुत्तर, ये सारे ही जी मरकर नीचे ग्रहेक में तो मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, हमें पता है, तो मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी मरकर वो मनुष्य ही होंगे, नियम है, आनत से लेकर ग्रहेक तक तो मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों भी हो सकते, फिर भी मरकर वो मनुष्य ही होंगे,
और अनुदिश अनुत्तरों में तो सम्य दृष्टि ही होते, दूसरा गुणस्थान ही नहीं होता वहाँ। वो भी मरकर मनुष्य तो होंगे ही होंगे, सम्यक के साथ वहां से आ रहे हैं, वो तो मनुष्य ही जन्म ले, ऐसी बात है। अब देवगति में कौन नहीं जा सकता, तो कोई देव है वो देवगति को नहीं जानते, नहीं वो देवगति में नहीं जाएंगे, कोई नारकीय है वो देवगति में नहीं जाएंगे, जो जो अपर्याप्त जीव होते हैं लब्धि अपर्याप्त वो भी नहीं जाएंगे, एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक नहीं जाएंगे, असंगी जाएंगे जाएंगे तो बौनत्रिक में जन्म ले सकते, असंगी पंचेंद्रिय जीव वो एक उसके लिए ऑप्शन, बाकी ऊपर जो जाने वाले सारे संगी पंचेंद्रिय जीव भी मरकर देव में चले जाएंगे, मनुष्य और तिगेंचों की बात है, अपर्याप्त तो नहीं जाते हमने देखी थे। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं कौन कहाँ जाता है कौन कहाँ नहीं जाता, इसके भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु अभी हम देखो एक देव के जन्मों के बारे में यहाँ एक वृत्तांत आता है, उसको पढ़कर अभी हम देवों संबंधी बातें यहीं समाप्त करेंगे। जैसे उदयाचल पर सूर्य उदित होता है, उदयाचल है जहाँ से सूर्य उदित होता है उस पर्वत को उदयाचल कहते हैं, उदयाचल नाम का कोई पर्वत नहीं रहता। अभी हमारे गांव का कौन सा पर्वत है जहाँ से हमको सूर्य उगता हुआ दिखा, हम उसको उदयाचल कहेंगे। बम्बई में जाने के वहाँ कहाँ, तो वहाँ किसी बिल्डिंग को ही उदयाचल कहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो कोई पर्वत दिखते ही नहीं हमको। तो जैसे सूर्य उदित होता है वैसे उपपाद शैया पर अंतर मुहूर्त में छह पर्याप्ति पूर्ण करके, अभी पर्याप्ति क्या होती है वो विषय अपना यहाँ चला था पहले, तो अभी तो उसके उसमें नहीं उलझेंगे। तो जब कहीं से जो आकर जन्म लेता है तो उसकी वो पर्याप्तियाँ पूर्ण होती है, तो ये जो छह पर्याप्ति पूर्ण करके मनोहर सुगंधमय सुखम स्पर्श वाले पवित्र शरीर का धारक देव उत्पन्न होता है, इन्हें अंतर्मुहूर्त में ही उसकी उत्पत्ति होती है। जन्म के समय वहाँ आनंद रूप बाजे बजते हैं, जय जयकार आदि स्तुति रूप शब्द होता है, उन सबसे अपने को देव पर्याय मिली जानकर और वहाँ उपलब्ध हुए ऐश्वर्य और अपने देवांगनादि परिवार को देखकर भव प्रत्यय अवधि ज्ञान से, कैसा अवधि ज्ञान है भव प्रत्यय, भव प्रत्यय का अर्थ हमने देखा था नारायण में, तो उन उस भव में यानी देवगति के जीव जो है, तो देवगति में जाते ही उनको वो भले मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि हो सबको अवधि ज्ञान होता ही, जो जन्म से ही सम्य दृष्टि है वो अपर्याप्त अवस्था में से उनके अवधि ज्ञान रहता है, जिसको हम स्व अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान के, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको एक अंतर्मूर्त के बाद वहाँ अवधि ज्ञान प्रकट होता है जिसको हम विभंग ज्ञान कहते हैं। तो ये सारा वैभव देखकर ऐसा लगता है अरे हमें कहाँ आया, ऐसा लगता है उसको, तो वो अवधि ज्ञान से वो जानता है कि पूर्व जन्म का वृत्तांत उसको ख्याल में आता है और वो देव धर्म आदि की प्रशंसा करता है और ऐसा जानता है कि कैसे योग आचरण से मैंने ये सारा वैभव पाया, दिव्य सुख आदि सामग्री पाई है। फिर धर्म की स्तुति करके वो निर्मल सुगंधमय जल से परिपूर्ण ऐसे अर्ध में यानी वो सरोवर में स्नान करता है, उसके बाद अन्य देव उसका पट्टाभिषेक करते हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, समय दृष्टि देव तो स्वयमेव देवाधिदेव जिनेन्द्र का अभिषेक और पूजन करता है और मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवों से संबोधित हुआ, अन्य देव उसको उपदेश करते हैं चलो ये ऐसा करो ये ऐसा करो, तो वहां तो वही जिन्हें नहीं चलता है, अन्य किसी धर्म की बात वहां नहीं चलती, तो वो भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है और वहां के सब देव सुखरूप समुद्र में मग्न होते हुए व्यक्ति काल को नहीं जानते, यानी कितना काल चला गया वो उसको अंदाजा ही नहीं रहता। आपने प्रश्न पूछा था ना कैसे वो काल यापन करते हुए, वो अवधि ज्ञानी उनको क्या वो कोई घड़ी की जरूरत नहीं है, कुछ कितना काल गया वो तो जानते रहेंगे। तीर्थंकरों की महापूजा और उनके गर्भाधि पांच कल्याणों में कल्पवासी देव आते और अहमिंद्र देव, अहमिंद्र किसको कहना एक ग्रह से लेकर सारे ऊपर उसको अहमिंद्र कहने आते, वे पंच कल्याणों में नहीं आते, तो वे अपने ही स्थान में सात कयन तीर्थंकरों की दिशा में चलकर
સાત પહેરી ગઈ મરાઠી પગલા, મરાઠી મેં પાવલ, ગુજરાતી મેં પગલા, હા, અને હિન્દી મેં પહેર. તો જીસ દિશા મેં તીર્થંકર વિરાજમાન હૈ ઉસ દિશા મેં ચલકર રત્નો મેં મુકુટ કે ધારક અપને મસ્તક પર અંજલિ લગાકર અતિ વિનીત ભાવ સે નમસ્કાર કરતે હૈ. ऐसे उनकी जन्म के संबंध में भी बातें आती हैं. अब हम कुछ थोड़े प्रश्न लेकर आगे बढ़ेंगे. हमें अभी अधिक प्रश्नों में भी नहीं उलझना है क्योंकि अपना विषय भी आगे चलना है ना. ये सिद्धशिला के बाद बारे में लिखा है उत्तान ढोल छत्राकार होता है और फिर उसमें तो उसी के ऊपर जो स्पष्टीकरण है ना उसी गाथा के ऊपर उसमें ऐसा भी आया है कि ऊपर से समान लेवल होती है और नीचे से हीना दिख होती है. अगर नीचे से हीना दिख नहीं होती नीचे से सपाट और ऊपर से ऐसा आपको कहना है उल्टा तो उत्तान का अर्थ क्या होता है. उत्तान तो ऐसा कहेंगे कि ऐसा कहेंगे हाँ उल्टी छत्ती तो नीचे सपाट और ऊपर ऐसा कटोरी हाँ हाँ वो तो है तो मगर अभी उसमें समझ लेना. अभी छत्तों में भी उत्तान धवल छत्राकार लिखा है. अभी उत्तान धवल यानी क्या उत्तान यानी हाँ ऊंडा ऐसे ओंधा लिखा. अभी उसमें जो कुछ है वो समझ लेना. ये स्वर्गों के पटलों में बिना विमान उनकी रचना गोलाकार है एक एक राज्य में है. अभी जो कुछ चार्ट्स बने हुए हैं ऐसे गोलाकार ही बने हैं तभी उसी के आधार से यहाँ भी हमने चार्ट दिखाए हैं. बाजू में और भूमि रहती होगी वहाँ जो कुछ वहाँ की हाँ हमें विमानों को दिखाना है इसलिए वो गोलाकार रचना दिखाई और इंद्रों के निवास और नगर वो भी वो जहाँ विराजमान है वहाँ की ही रचना बताई है. ये स्वर्गों में वन उत्पन्न होते वो वनस्पति का एक जीव है क्या नहीं है हमने सुना है कि वहाँ स्थावर जीव नहीं होते. ये कहाँ सुना है आपने. स्थावर जीव तो पूरे लोक में होते हैं और जहाँ जहाँ पृथ्वी होती है बादर पृथ्वी तो वहाँ वहाँ तो सारे ही बादर जीव पाए जाते हैं. बादर जल का एक बादर वनस्पति का एक बादर पृथ्वी का एक वगैरह अग्नि का एक भी. देवों की भाषा कौन सी रहती है. व्यंतर देव किस गति के जीव को परेशान करते हैं और देवों देव विमान में कहाँ कहाँ गमन करते हैं. विमान के देव कहाँ कहाँ के अपने विमान में कहाँ कहाँ जाते हैं क्या कहना है. वो विमान में ही रहते हैं और विमान नहीं छोड़ते हुए विक्रिया करके वो नीचे भी गमन कर सकते हैं. मध्यलोक में भी आते हैं असंख्या द्वीप समुद्रों में भी गमन करते हैं नरकों में भी नीचे तक जा सकते हैं. ये वहाँ उनका गमन होता है. मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक इंद्र हो सकता है वो भी वो अहिमिंद्र भी होता है उसकी और क्या बात है. तो भाषा कौन सी रहती है. हमने तो ऐसा सुना था भाषा गिरवाण भारत अभी वो देवों की संस्कृत भाषा होती होगी पता नहीं. अभी कुछ तो जानने के लिए छोड़ेंगे जब हम देव में चले जाएंगे ना तो सब वहाँ जाकर वो सारे हमारे यहाँ के प्रश्न याद कर करके उसके उत्तर ढूंढेंगे. हम अवधि ज्ञान से हमारे प्रश्नों को याद करेंगे और फिर उसके उत्तर भी हमारे ख्याल में आ जाएंगे. तो ऐसे कुछ प्रश्न है उसके भी हमने यहाँ उत्तर देखे हैं मेरे ख्याल से तो हो गए प्रश्न. अभी हम आगामी जो विषय अपना शुरू करते हैं हाँ कि देवलोक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना बहुत हो गया ना कंटाल आ गया ऐसा ही होता है कहीं सुख नहीं लगता ना बाद में ऐसा होगा मध्य लोक में भी सुख नहीं फिर सिद्ध लोक में चले जाना हाँ अरे कहीं सुख है ही नहीं है. बस अभी ये हम तिर्यक लोक की बात करें तो तिर्यक लोक कहना कि मध्य लोक कहना है इससे बहुत सारी बातें हैं उसके भी हम उत्तर ढूंढ लेंगे. यहाँ एक चार्ट है तिर्यक लोक का और एक चार्ट यहाँ लगाया है ढाई द्वीप का. देखो हमने अधोलोक देखा
मध्य से नीचे की ओर सात राजू जो है, और उसमें पहली पृथ्वी में खरभाग, पंकभाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में पहला नरक होता है, दूसरी पृथ्वी में दूसरा नरक, तीसरी पृथ्वी में, इस तरह से सातवीं पृथ्वी तक सात नरक होते हैं। छह राजू तक सात पृथ्वी और उसमें सात नरक भी देखे। नीचे एक राजू वाली जो कुछ निगोद रहते हैं वहाँ, और ऊर्ध्व लोक में भी हमने देखे ये स्वर्गों के विमान आदि वहाँ रहते हैं। पूरा ऊर्ध्व लोक तो बहुत बड़ा है, परंतु उसमें जो त्रसनाली है उसमें जो स्वर्गों के विमान कितने कहाँ पाए जाते हैं वो बात हमने बहुत विस्तार से देखी है। अब ये जो तीर्यक लोक कहो या मध्य लोक कहो, वो कहाँ पर है और वो कैसे है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तीर्यक यानी आड़ा है ना, और इसको मध्य लोक भी कहने में आता है। तो मध्य लोक में हमने वो पहले चार्ट में देखा था, ये जो वहाँ की पृथ्वी के ऊपर ऊपर है ना, उसका 1000 योजन पृथ्वी का भी भाग ले लेंगे। मेरू पर्वत के तल से लेकर उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1,40,000 योजन। मेरू पर्वत की हाइट कितनी है, 1,40,000 योजन। 40 योजन की उसकी चूली का है ऊपर का शिखर, तो उतना ही ऊंचाई वाला मध्य लोक है। ये तो उसकी ऊंचाई हो गई। अभी दूसरी भी एक, जिसको लंबाई कितनी है और ऐसे मोटाई कितनी है, तो वो भी कितनी है, तो एक राजू और ऐसे सात राजू। पृथ्वी जो है वो कितनी है मोटी, ये कितनी लंबी है, तो दक्षिणोत्तर सात राजू है और पूर्व पश्चिम एक राजू। जो हम सामने से वो बीच वाला सकड़ा भाग देखते हैं वो तो मध्य लोक का है, एक राजू वाला, परंतु ऐसे दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राजू फैली हुई। तो इसके बीचों बीच तरसनाली होती है जो चौकोर आकार की, और एक राजू और एक राजू ऐसी होती है। ये हमने यहाँ जो दिखाया है ये चौकोर, वो त्रसनाली का चौकोर दिखा है। यदि पूरी पृथ्वी देखनी है वो तो एक राजू से लेकर सात राजू ऐसे हैं, और उसके सेंटर वाले एक राजू में वो असंख्यात द्वीप समुद्र दिखाएंगे हम वहाँ पर। तो पूरा ही तीर्यक लोक कितना है, तो एक राजू ऐसा है, सात राजू ऐसा, और उसके हाइट होगी 1,40,000 योजन। ये उसके तीन डायमेंशंस हो गए, उसका आपस में गुणाकार करने पर उसका घनफल हमें मिलेगा। एक राजू गुना सात राजू गुना 1,40,000 योजन। अब इसमें क्या क्या भरा पड़ा है उसको भी देखेंगे। तिर्यक लोक कितना है उसको देखा हमने। तो ये तिर्यक लोक में कौन कौन रहते हैं कुछ पता है? मध्य लोक में कौन कौन जीव रहते हैं? तिर्यक लोक कहो या मध्य लोक को? मध्य लोक में कौन रहते हैं? हाँ हम आप रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में भी, उसके भी मध्यमध दो मनुष्य लोक में रहेंगे, वो बाद हम बाद में दिखाएंगे, परंतु मनुष्य भी मध्य लोक में है ना, पूरे मध्य लोक में नहीं है, परंतु मध्य लोक के बीच में जो ढाई द्वीप है वहाँ पर मनुष्य रहते हैं। और कौन रहते हैं? तिर्यंच रहते हैं। और कोई रहते हैं? हाँ व्यंतर भी रहते हैं, जो हमने दोपहर में देखा था। हाँ हाँ ज्योतिषी भी, वो सारे रह गए अभी। हाँ देवों में से उसको छोड़ा है ना ज्योतिषी, उनको क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो मध्य लोक में आते हैं इसलिए। और जब हम असंख्यात द्वीप समुद्र क्या है नहीं समझते, तब तक वो ज्योतिषियों को कैसे समझाएंगे? जब हम कहेंगे जम्बू द्वीप के ऊपर इतने चंद्र सूर्य हैं, लवण समुद्र के ऊपर इतने हैं, आगे के द्वीप में इतने हैं, स्वयं ब्रह्मण्य समुद्र के ऊपर इतने हैं, तो हम समझेंगे कैसे? इसलिए हमने भवनवासी को देखा, व्यंतर को देखा, ऊपर के वैमानिकों को देखा, और ज्योतिषियों की बात नहीं की, क्योंकि वो मध्य लोक में रहते हैं। और असंख्यात द्वीप समुद्रों की रचना समझेंगे तब हम उनका भी, कहाँ कितने रहते हैं, क्या होता है, उसके विमान कैसे होते हैं, वहाँ के जीव क्या करते हैं, वो सारी बातें देखेंगे। तो ये जो तिर्यक लोक है उसमें बीचों बीच जो त्रसनाली है, एक राजू और एक राजू, वो है तो चौकोर, जैसे यहाँ उसी को तिर्यक लोक या मध्य लोक करके लिखा है, परंतु इस तरह से वो फैला हुआ है,
एक राजू और ऐसा दोनों ओर मिलकर सारा ही सात राजू तक उसको फैलाव है उसका। परंतु अभी हम यहाँ बीच वाला जो एक राजू है उतने की ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बाहर तो सारी ये पृथ्वी है, भूमि ही है, ये बीच में क्या है? तो ये बीच में जो एक राजू व्यास वाले जो है, ये एरिया चौकोर में एक उतने ही डायमीटर वाला एक गोल निकालना है। तो चार कोनों में तो ये भूमि है और ये पूरा ही बड़ा गोल जो दिखाया है उसमें एक के अंदर एक ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है। सबसे बीचों बीच क्या है, एकदम सेंटर में, तो जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है जो 1,00,000 योजन व्यास वाला है। उसका विस्तार यानी व्यास, डायमीटर कितना है, 1,00,000 योजन। वो सबसे सेंटर वाला द्वीप है, उसको पूरा ही राउंड ऐसा वेढ़ा हुआ, उसका वेढ़े हुए समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। तो लवण समुद्र की जो चौड़ाई है वो कितना ही है, क्योंकि वो ऐसे कंकड़ाकृति है ना सभी ओर से, वो तो 2,00,000 वाली है। 2,00,000 हम उसका डायमीटर नहीं कह सकते, उसकी विड्थ कह सकते हैं, विड्थ यानी उसकी मोटाई, उसकी हाँ चौड़ाई कितनी है, मोटाई नहीं चौड़ाई कितनी है, तो 2,00,000। तो 2,00,000 सर्वत्र ऐसे, उसमें तो हम उसका एक इंटरनल डायमीटर होगा अंदरूनी उसका परिघ या अंतर वाला, और एक बाह्य जिसको सूची कहने में आती है, एक आउटर डायमीटर होगा। तो इनर डायमीटर कितना होगा, अंदर के द्वीप जितना, बीच में लाख योजन का जम्बू द्वीप है। अभी ये जम्बू द्वीप है नहीं है, मगर अगर इसको देखना है, अगर हम इसको जम्बू द्वीप समझेंगे तो क्या होगा, ये 1,00,000 योजन मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 1,00,000 योजन होगा, और आगे वाला जो है वो 2,00,000 होगा। परंतु उसकी डायमीटर, अंदर वाली डायमीटर कितनी है, 1,00,000 होगी, और आउटर डायमीटर 1,00,000 प्लस 2,00,000। ये आउटर डायमीटर ऐसे आप ही निकाले, इसको सूची कहते हैं, वो तो 5,00,000 हो जाएगी। लवण समुद्र की बात है, परंतु लवण समुद्र कितना है, तो यहाँ से इतना ही है, ये स्वयंभू रमण है, हम उसको लवण समुद्र उपमा देकर समझा रहे हैं, नहीं तो नाम पढ़कर कुछ कंफ्यूजन नहीं करना। तो ये लवण समुद्र की कितनी है विड्थ, ऐसे ये तो 2,00,000 हो जाए, बराबर है। अभी लवण समुद्र के घेरे को ऐसा क्या है उसके आगे, हाँ, और एक द्वीप है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप, जैसे बचपन में हम कहानी सुनते हैं, तो एक चिड़िया आई वो एक दाना लेके उड़ गई, दूसरी चिड़िया आई है हमारे, वो तो खत्म नहीं होने वाली है ऐसी कथाएं सुनाते, तो फिर कंटाल कर छोड़ देते। वैसे ये असंख्यात द्वीप समुद्र का असंख्यात कितना है, उसके लिए एक लेक्चर लगेगा खाली असंख्यात समझाने के लिए, हम उसको भी असंख्यात ही कहेंगे। तो ये जो लवण समुद्र के आगे वाला द्वीप है वो उससे भी डबल है, यानी कितना होगा उसका, उसकी जो विड्थ जो है 4,00,000 योजन वाली हो, उसके आगे वाला हाँ घात की खंड वो 2,50,000 हम लेंगे, उसके नाम भी बताएंगे, उसके आगे वाला कालोदरी समुद्र 8,00,000 योजन विस्तार वाला, उसके आगे जो है पुष्कर द्वीप, पुरानी पुष्कर द्वीप वो है 16,00,000 योजन विस्तार वाला। ऐसे ही अभी उसका आधा अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो उसके आगे का द्वीप ये समुद्र है उससे भी दुगुना, ऐसे द्वीप से दुगुना समुद्र, समुद्र से दुगुना द्वीप, द्वीप से उस समुद्र से, ऐसे आगे करते 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 अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। तो ऐसा हम अगर हिसाब करके भी देखेंगे, 2-3 समुद्र का हिसाब बाद में लगाएंगे, पहले पहले ये देखेंगे ये पूरे ही द्वीप और समुद्रों में अकेला स्वयंभू रमण समुद्र कितनी जगह व्यापता है। हाँ तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं बीच में 1,00,000 का जम्बू द्वीप है और दोनों 2,00,000 का लवण समुद्र है, बराबर। तो लवण सेंटर से देखेंगे तो क्या होगा, सेंटर से यानी किसी भी सेंटर से अगर हमको देखना है, यहाँ से
अभी ये ब्लू कलर देखा, ये सेंटर से यहाँ तक कितना होगा? अभी हम जम्बूद्वीप इसको इमेजिन कर रहे हैं ना, यानी उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 50,000 योजन होगी। व्यास उसका 1,00,000 है, तो उसका आधा कितना है? 50,000 योजन, एक साइड का हम गिन रहे। और उसके आगे लवण समुद्र कितना है? 2,00,000 है। तो उसमें कितना ज्यादा है? जम्बूद्वीप का 50,000 यानी 0.5 लाख और लवण समुद्र का 2,00,000। 2,00,000 है ना लवण समुद्र, एक साइड की देख रहे। 1,00,000 कैसे होगा? नहीं, 2,00,000 दोनों साइड, 2,00,000 की उसकी जो चौड़ाई वो सर्वत्र है। यहाँ जैसे गोल दिखा है, ये सर्वत्र है ना उसकी समान। अभी हम अकेले लवण समुद्र की बात कर रहे हैं, तो लवण समुद्र के तक सेंटर से अगर लेते हैं, जम्बूद्वीप के सेंटर से 50,000 तो जम्बूद्वीप के और 2,00,000 तो लवण समुद्र के। सेंटर से मापना है जम्बूद्वीप का, तो हमने डायमीटर ऐसा पूरा से पूरा ही बताया था। नहीं, उसकी त्रिज्या नहीं कही थी 1,00,000? कंपास अगर हम ऐसा करेंगे तो सुमेरु पर्वत सहित 1,00,000 है। सुमेरु पर्वत के चहुओर 1,00,000 नहीं है। देखो, सुमेरु पर्वत के चहुओर 1,00,000 ऐसा नहीं है गोल। सुमेरु पर्वत सहित पूरा ही जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का। 1,00,000 योजन उसकी डायमीटर है, पूरी व्यास है उसका। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ ये तो बहुत छोटा लिखा, फिर भी वो तो प्रोपोर्शन में ही निकाला है। 1,00,000 योजन का अगर आपको बनाना है, आप 1 इंच का एक सेंटीमीटर का आपको राउंड करना है, तो उसके लिए त्रिज्या कंपास से ऐसा करेगी। ये जम्बूद्वीप वाला 5 नंबर का निकालना, 5 नंबर का चार्ट निकालना। ये जम्बूद्वीप है, तो उसका यहाँ से यहाँ तक पूरा गोल है, जिसको व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, विस्तार कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिया? पूरे ही आड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कितना है? 1,00,000। अगर मुझे 1,00,000 का ऐसा निकालना है, मेरु पर्वत को मैं कंपास रखूँगी और मुझे ऐसा राउंड निकालना है, तो कितना लेना पड़ेगा? 50,000, वही तो बता रहे ना। सेंटर से कितना है? 50,000 इस ओर 50,000 इस ओर। उसके आगे का लवण समुद्र वो कितना है? 2,00,000। तो सेंटर से अगर हम गिनेंगे तो लवण समुद्र में कितना ज़्यादा है? ये 50 है और वो 2,00,000 है। उसका अगर हम सेंटर करेंगे तो इसके 50 और उसके 2 कितने गुना हुआ? 2,50,000। 2,50,000 टोटल हो जाए, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 2,50,000 हो जाएगा ना। उसमें कितना कितना ज़्यादा होगा? उसमें लवण समुद्र में मध्य से लवण समुद्र तक 2,50,000 हुआ। अभी उसका आधा करो तो उसमें लवण समुद्र कितना बड़ा रहा? ऐसा उल्टा करो, लवण समुद्र 2,00,000 का और ये 50 का, वो 50 उसमें से माइनस कर दो तो ये कितना ज्यादा रह गया? 1,50,000 ज्यादा हुआ ना। अभी आगे की बात करें, अब सेंटर से हमने 2,50,000 मापे, उसके आगे वाला क्या है? द्वीप है। द्वीप की कितनी है उसकी विस्तार? 4,00,000। अब बीच से लवण समुद्र के अंत तक 2,50,000 हुआ,
और उसके आगे कितने हुए? 4 लाख. वो कितना ज्यादा है? 4 माइनस 2.5 कितने हुए? 1.5 लाख. कहीं भी प्रमाण निकालो, द्वीप से जितने समुद्र और द्वीप, मान लेते हैं हम 10 समुद्र और वो सारे द्वीप चले गए हैं, उसके आगे वाला कितना है? 1.5 लाख से ज्यादा होगा. कहीं भी चले जाओ, 100 भी समुद्र और द्वीप चले जाओ, तो आगे 101 वाले में क्या होगा? पहले सारे की टोटल करो सेंटर से, उसमें 1.5 लाख मिला दो तो आगे का डायमीटर आएगा उसका. अब ये बात हम स्वयं भ्रमण समुद्र पर घटाना चाहते, त्रिज्या नहीं उसकी, विड्थ उसकी, अभी उसको आगे डायमीटर नहीं लगाना, क्योंकि उसकी वो साइड वाली जो रेडियस भी नहीं, रेडियस तो सेंटर से गिनेंगे, ये उसकी चौड़ाई कहेंगे, हाँ उसका विस्तार कहेंगे. जैसे ये समुद्र का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, अब हमने अभी जो रूप लगाया ना, कहीं भी देखो बीच वाले सारे समुद्र और द्वीप टोटल करके भी उसके बाहरी वाला जो द्वीप समुद्र होगा उसमें 1.5 लाख यूजन ज्यादा होगा. उसका अंदर हम जम्बू द्वीप के सेंटर से स्वयंभू रमण के समुद्र के अंत तक, बाहर की दिशा तक, ये कितना है हमें मालूम है? टोटल कितनी है सब में? सेंटर से आधा राज्य, पूरे ही सेंटर से, यानी मेरू पर्वत का भी सेंटर ले लो, वहां से लेकर स्वयंभू रमण के आउटर जो है उसका डायमीटर, वहां तक कितना अंतर है? आधा राज्य. ये बात सही है? अभी हमने देखे स्वयंभू रमण समुद्र को एक बाजू रख दो और बीच वाले सारे ही द्वीप समुद्र असंख्यात एक बाजू रख दो, तो अभी स्वयंभू रमण समुद्र के खाते में 1.5 लाख यूजन ज्यादा आना चाहिए. ख्याल है? यानी उसके 1/4 राज्य हो जाएगा. अभी वो 1.5 लाख को हम माफ करेंगे अपने समझने के लिए, कि हमको मोटे तौर पर समझना है कि स्वयंभू रमण समुद्र अकेला कितनी जगह व्यापता है. तो सेंटर से लेकर एक बाजू आधा राज्य है, बराबर? ये तो समझ में कोई मुश्किल नहीं. उसमें से भी आधा, यानी हम 1/4 राज्य कहेंगे, 1/4, वो किसकी एरिया है? स्वयंभू रमण समुद्र की 1/4 की. और वैसे ही इस बाजू भी 1/4 राज्य स्वयंभू रमण समुद्र है. सारे ही बीच वाले असंख्यात समुद्र और द्वीप एक बाजू कर दिए हमने, अकेले स्वयंभू रमण समुद्र की दोनों ओर की अगर हम एरिया पकड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? हाँ, ए और ए मिलकर आधा राज्य. तो आधे राज्य में तो स्वयंभू रमण समुद्र फैला हुआ है. हाँ, खाली अकेला आधा राज्य नहीं, दोनों ओर 1.5 लाख दे दो उसको, दोनों ओर के 1.5 लाख मिलाए नहीं तो 3 लाख यूजन ज्यादा हो गए उसके खाते में. आधा राज्य प्लस 3 लाख यूजन तो स्वयंभू रमण समुद्र फैला हुआ, तो उतना साइज कितना बड़ा होगा? अब उससे अंदर आएंगे, अब उसका अंदर वाला द्वीप कितना है? उससे आधा है, यानी ये एक बाजू 1/4 राज्य था, तो ये उसका कितना? उसका आधा 1/8 राज्य हो जाएगा. 1/8 है ना, और दोनों ओर का मिलकर 1/4. ये स्वयंभू रमण समुद्र है और ये स्वयंभू रमण द्वीप है. तो अभी जो बचा था, यहां हमने दोनों ओर का आधा राज्य छोड़ा स्वयंभू रमण समुद्र के लिए, तो बचा कितना था? अभी वो 1.5 लाख और 3 लाख का हिसाब हम अलग रखेंगे, उसका गणित ज्यादा नहीं करना ना, उसको अलग रख देंगे. तो ये बीच में बचा आधा राज्य. अब ये आधा राज्य का भी आधा राज्य स्वयंभू रमण द्वीप ने व्यापा, यहाँ इधर आधा चला गया और यहाँ 1/8 और 1/4 यहाँ चला गया, बचे में वो बीच वाले सारे असंख्य द्वीप समुद्र. ऐसे बाहर की ओर हम अंदर आते जाएंगे तो ये जितना है उसके आधा, उसका आधा, बाहर के अंदर आ रहे हैं ना, उसका आधा, उसका आधा, ऐसे सेंटर तक आते हैं तो जम्मू द्वीप कितना? 1 लाख यूजन रह जाता है. उसके एरिया में वो कुछ नहीं, फिर भी 1 लाख यूजन कितना बड़ा होता है, ख्याल है ना?
तो इस तरह से ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो तो इसकी बात तो कितनी बार हमने बार बार स्वामी जी के मुख से भी सुनिए कि वहाँ तो कितने असंख्यात सम्य दृष्टि तीर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती और कितनी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले मगरमच्छ हैं। हाँ हाँ, रत्नों से भरा हुआ है, उसकी तो महिमा आती है, परंतु वो सम्य दृष्टि तीर्यंच से भी भरा है। इसकी और चर्चा हम कल करेंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है। ये तीर्यक लोक का स्वरूप बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, असंख्या द्वीप समुद्र क्या होते हैं, ढाई द्वीप क्या होते हैं, जम्बू द्वीप क्या होता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अभी जो हमने बात देखी थी देखो अभी सुनो सुनो अभी हमने भूल से आठवें कीर्तन को तो दो बार नमस्कार किया, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। हाँ तो नौवे और दसवें का नंबर राजा भी था तो हम दोनों को भी नाम ले लेंगे। नौवे जो कीर्तंकर है सूर्य प्रभा भगवान और दसवें कीर्तंकर है विशाल कीर्ति भगवान। बोलो सूर्य प्रभा और विशाल।